बार आप जो है ये सीजन होस्ट कर रहे हैं, तो कैसा चल रहा है आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा? मैं होस्ट नहीं कर रही, मैं जज कर रही हूं और बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि ये शो अपने 8वें सीजन में है एंड देश का आई थिंक सबसे जाना माना डांस रियलिटी शो है एंड यहां पर होकर बहुत मजा आ रहा है, इतने अच्छे ब्यूटीफुल कपल्स को देखकर, उनके नाच को देखकर, उनके रोमांस को देखकर बहुत ही मजा आ रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी होने वाली है आप तो डांस की मास्टर हैं। जी डांस का शौक है, जज करना मुझे वो शब्द ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट ऑनेस्टली मैं एक एंटरटेनर हूँ, या एंटरटेनर्स के बीच आई हूँ, एंटरटेन होने आई हूँ और एंटरटेन करने आई हूँ। सोनाक्षी, बचपन की कुछ यादें डांस को लेकर जो आप हमारी ऑडियंस को साथ शेयर करना चाहें? बचपन की तो मतलब बहुत सी यादें हैं, बट मुझे याद है मैं बहुत कंपेटिटिव होती थी जब भी मैं बर्थडे पार्टीज में जाती थी और मुझे हमेशा फर्स्ट आना होता था, आती नहीं थी बट वो अलग कहानी है, बट मुझे मैं बहुत कंपेटिटिव थी। यहाँ पर अब मैं हूँ यहाँ पर तो नूर ऑटोमेटिकली है यहाँ पर, बट डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मेरे फिल्म के लोग भी आए इस शो पर, इस मंच पर हम फिल्म प्रमोट कर पाए। मैं तो हूँ ही, बट आई वुड लाइक टू गेट मोर पीपल फ्रॉम द नूर कास्ट एंड आई थिंक एक एंटरटेनर होने की क्वालिटी। हाँ, सब लोग जो यहाँ हैं एंटरटेनर्स हैं एंड डांस, कई लोग हैं जो नॉन डांसर्स हैं, तो उनको कोशिश करते हुए देखना टू यू नो मैच स्टेप्स विद देयर डांसर पार्टनर्स बहुत ही अच्छा लगता है, कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एंड इट्स रियली नाइस टू सी दैट। लास्ट क्वेश्चन, I'm going to judge on the entertainment quotient. I'm going to judge on whether I like what I see. As a very aam aadmi, you know, somebody who enjoys dancing, somebody who likes to watch dancing, and who somebody who likes to dance herself. So on those three main qualities, I really want a good entertainment quotient. Silver Honda City 4810. Thank you.